तुमसे मिलने आया। दुश्मनी देखकर उनको ट्रीट करना नहीं सिखा, उसका फैल उसके साथ। इंसान को तसल्ली भी नहीं होना चाहिए। जरा भी एहसास है? शहर में पागलों की तरह मैं आपको ढूंढता रहा। राजनोट ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि मेहर की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब शबरेज, उसके घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि मेहर की शादी शबरेज के साथ हो, इसलिए उसके घर आकर उसके वालदैन को बेइज्जत करेंगे। लेकिन शबरेज ने भी ठान रखी है कि अगर मेहर उसकी ना हुई तो किसी और की भी नहीं होने देगा। अपने घर वालों के खिलाफ तो जाएगा ही, लेकिन उधर मेहर को भी किसी सूरत सही से नहीं रहने देगा। अब मेहर भी उसे दूर होने लगेगी जब उसे पता चलेगा कि शबरेज इतना जुनूनी। अब शबरेज किसी न किसी तरह से मेहर से निकाह तो कर लेगा, उसे उस घर में भी ले आएगा, लेकिन उसके घर वाले कभी भी मेहर को दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही उसे दिल से कबूल करेंगे। अब मेहर और शबरेज में बहुत सी दूरियां होंगी। आप लोगों के ख्याल में क्या मेहर और शबरेज एक हो पाएंगे और एक साथ खुश रह पाएंगे, या फिर शबरेज कैसे तेरी खुद गर्जी वाले शमशेर की तरह आखिर पे अपनी जान ही दे देगा? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी गा कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए।